बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। वो रहे सर, आइए आइए। सर ये मेरे शक्ति भैया हैं। ओ, तुम्हारे भैया जी। वेलकम सर, वेलकम। भाई तुम्हारा ये छोटा भाई गजब की चीज है। मेरे पास आकर सब कुछ बदल डाला मेरा। देखिए डिस्को सॉन्ग के बजाय भजन सुन रहा हूं मैं, इसकी बदौलत। आपका भाई लाखों में नहीं करोड़ों में एक है, पर इसकी वजह आप हैं। आप भाई हो तो आप जैसा। बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे जूते मत मारिए साहब, मैंने जिंदगी में बहुत जूते खाए हैं। हर तूफान हर अंधेरे से गुजरा हूं मैं, हर गम हर जहर पिया हूं मैंने, पर ऐसा मुकाम कभी नहीं देखा कि कोई भगवान इंसान का रूप लेकर मेरे भाई को वो खुशियां देगा जो मैं 7 जन्मों तक दिन रात एक एक करके भी नहीं दे सकता। आपने मेरे इस रोमी को जिंदगी देकर जो एहसान मुझ पर किए हैं उसका कर्ज मैं तो क्या मेरे स्वर्गीय माता पिता भी नहीं उतार सकते। मेरा रोम रोम आपकी जिंदगी की खुशियां और तरक्की के लिए दुआएं कर रहे हैं कि भगवान आपको वो सब दें जो आपको कभी ना मिला हो। ये आप आंसू मत बहाइए, क्योंकि आंसू कमजोर लोगों के जेवर होते हैं, और आप तो शक्ति सिंह हैं, शक्ति का उदाहरण है, दूसरा रूप है। आप महान हैं। नहीं 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 शक्ति साहब, महान कोई नहीं होता इस दुनिया में। इट्स ऑल अ गेम, गेम ऑफ लक, सब तकदीर का खेल है। कम वक्त तकदीर किसको कहां दूर कर देती है, कहां मिला देती है, और मिलाकर फिर भी नहीं मिलाती। आदमी जबान से कुछ कहता है, दिमाग से कुछ और सोचता है, और दिल कुछ और ही चाहता है। ये सब नाटक ही तो हैं तकदीर के, तो इस पर क्या आंसू बहाना। जो चला गया उसे भूल जा, जो आ रहा है उसे प्यार कर। देखिए आज हम मिले तो सही, मेरा जरूरी फोन है, मैं चलूं। आप घर आइएगा जरूर। मेरा ही तो घर है, कभी भी आ जाऊंगा। भैया 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 आप यहां पर भी इमोशनल हो गए। बाल नहीं बाल नहीं बाल नहीं। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो बाबा। आज का दिन हमारी जिंदगी का बेहतरीन दिन है।
हाँ बाबा बेहतरीन दिन है। आज से तुम और कोका सेठ इस जंगल के 50-50% के लीगल पार्टनर हो गए हो बेटे। आज हमारा पुराना पार्टनर फिर हमारा हो गया है। हाँ बाबा, आज हमारा पुराना पार्टनर हमारा हो गया। आज इसी खुशी में कूका सेठ ने एक पार्टी दी है जंगल से दूर सिटी क्लब में। मुबारक हो पार्टनर। हाँ तुमको भी मुबारक हो कूका। तुम्हें इस पार्टी में जरूर आना है। आऊंगा, जरूर आऊंगा। नाचना है, गाना है। गाऊंगा, नाचूंगा। और हाँ, उस जोकर भोले को जरूर ले आना। जरूर, उस जोकर को भी लेकर आऊंगा। जोकर, उस जोकर को फिनिश करने के लिए पूरे 5,00,000 रुपए लूंगा। मिल जाएंगे, लेकिन याद रहे कुका सेठ, ये हमारा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। आप फिकर मत करो, हम उसे फिनिश कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सिकंदर भी वहां होगा। हम सिकंदर को भी अच्छी तरह जानते हैं, आप घबराइए नहीं, वो फिनिश हो जाएगा। समझ गए ना सिकंदर सेठ, यह है गरीब का जवाब आपके हम पर की गई मेहरबानियों का। एक गरीब घर की मजबूरी और सूखी रोटियों की हंसी उड़ाई है तूने, लेकिन इस गरीब का नाम है शक्ति सिंह। जिसकी शक्ति है उसकी मां के दूध से, उसके मां के असूलों से, उसकी मां के आशीर्वाद से। और आज उसी मां की कसम, अगर तूने मेरे घर या मेरे भाई पर नजर रखने की कोशिश की या उसे तुम्हारी आवाज भी सुनाई दी, तो मैं इन्हीं हाथों से तुम्हारे गले को दबोचकर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। समझ गए ना तुम, आई एम एन आर्मी मैन। आए हैं मेरे भाई की तकदीर बनाने। सर आप कहें तो इसे उड़ा दूं। जब मैं नहीं बोला तो तुम कैसे बोले? हाँ यहां सड़क पर खड़े क्या कर रहे हो? क्योंकि अब मैं सड़कों पर ही आ गया हूं सर। मैं जानता हूं सर, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है सर? प्लीज मुझे कूका के पास ले चलिए, मेरी राधा को। मैं सर, आप अपनी जगह पर सही हैं और भैया अपने असूलों में ठीक। इस दुनिया में कौन से आदर्श, कौन सा रास्ता ठीक है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आपके पास कामयाबी है और भैया के पास सिर्फ आदर्श। मैं बहुत कंफ्यूज हूं सर, अब आप ही मुझे बताइए कि मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य, मेरी मंजिल कौन सी होनी चाहिए। जो कहूंगा मानोगे? मानूंगा सर। चलो गाड़ी में बैठो, आओ मेरे साथ। सर यहाँ नीचे उतरो। नहीं सर, सर मैंने आपसे कहा ना मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। और मैंने तुमसे कहा ना तुम मेरे साथ चलोगे। सर अब आप जबरदस्ती कर रहे हैं सर।
तुमने मुझसे वादा किया था तुम मेरी बात मानोगे। लेकिन ये गलत बात है सर। कुछ गलत नहीं है, कमान। गुड बॉय सर, प्लीज सर, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर, आई कैन नॉट स्टे हियर सर, यू लव मी, आई लव यू सर, लेकिन मैं यहां पर अंदर नहीं जाऊंगा सर। सर प्लीज सर, आप सर, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो इनसाइड सर, आप मुझे फोर्स मत कीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, आप मुझे देखो रोमी, यह है तुम्हारी सही मंजिल, भूखा मरना है तुम्हारा ध्येय, गरीबी में रहना है तुम्हारा लक्ष्य, और इस भैया के चरण तुम्हारी मंजिल है, समझे? जलील कर रहे हैं आप मुझे, अरे नहीं रहना है मुझे किसी के साथ भी, अपना ध्येय, अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल मैं खुद ढूंढ सकता हूं, अरे जिसे देखो मेरा बाप बनने की कोशिश करता है, अरे नहीं चाहिए मुझे कोई भी, ना आप और ना आप। रोमी नहीं चाहिए, ढूंढ लूंगा अपनी मंजिल में खुद ही, जाओ मानूंगा अपनी राधा को अपने आप ही। क्या हुआ श्रीमान शक्ति साहेब, जिसे इतने दिन पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, छोड़ गया तुम्हें, मार गया थप्पड़ तुम्हारी गरीबी पर। खैर छोड़ो, यही दुनिया है, आओ सिगरेट पीते हैं, कुछ गम दूर करते हैं। थप्पड़ मत मारो मुझे, डोंट एवर टच मी, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, दुश्मन हो तुम मेरे, दुश्मन हो तुम मेरे, दुश्मन। करेक्ट, करेक्ट पहचाना, दुश्मन हो, दुश्मन। दोस्त और भाई से तो तुमने अकल ली नहीं, कम से कम दुश्मन की बात तो समझ लो। एक बात तो तुम्हें माननी होगी दुश्मन की, कि तुम फेल हो गए, तुम फेल हो गए शक्ति सिंह। एक भाई बचपन में छोड़ गया था, दूसरा आज छोड़ गया, मान लो यार, मान लो चला गया, वो छोड़ गया तुम्हें, ही इज गॉन। वो मेरे पास आता है बार बार, जहां सोना चांदी ऐशो आराम, गाड़ी कार नौकरी और छोकरी, हर तरह की कामयाबी है। उसे तुम्हारी बोरिंग स्ट्रगलिंग भाषण देने वाली लाइफ पसंद नहीं, ही डजंट लाइक इट, और सही भी तो है। मुझे मालूम नहीं तुम्हारी मां ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी मां ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ, गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी। मेरी मां ने, तुम्हारी मां ने नहीं, और यही मैंने रोमी को भी सिखाया। मेरी मां ने यह भी सिखाया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और इन्हीं असूलों से मैं इस बुलंदी तक पहुंचा कि रोमी तुम्हें छोड़कर मेरे पास आया, मेरे पास आया शक्ति सिंह, तुम फेल हो गए, मैं पास, समझ गए, समझ गए, समझ गए बत्तू कहीं के। आनंद, 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 आनंद। अरे शक्ति बेटे, ये तो अपना आनंद था। आहे माहे सत्या देवी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि सरकार ने हमारी एप्लीकेशन मंजूर कर ली है, अब आपको थोड़े दिनों में यहां से रिहा कर दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, सत्या जेल में मर सकती है मगर जेल से छूट नहीं सकती। पंडित, 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 पंडित ज्ञानेश्वर,
श्रीमान जी, पंडित ज्ञानेश्वर जी का पिछले सप्ताह देहांत हो गया है। त्रिमूर्ति तुम्हारी मौत अवश्य बनकर आएगी एक दिन। जल से, थल से और गगन से। हाँ, ये सब करेगा राधा के लिए, ये सब करेगा। अब रोमी दुनिया से विद्रोह करना चाहता है, ये लड़ना चाहता है, तुम्हारा सिकंदर बनना चाहता है। समझ गया, इस आशिक की ज्वाला को मैं समझ गया। मेरा तुमसे वादा था भोले, जा वो तुझे मिल जाएगी, तेरे दिल की कली खिल जाएगी। राधा, राधा, इसका कन्यादान हम करेंगे। जिसे वो दोनों तुम्हें नहीं मिलवा सके, उससे तुम्हें हम मिलवाएंगे। कैसे? बस तुम्हें सिकंदर बनने का इम्तिहान देना होगा कल सुबह। मैं जा रहा। जी सरकार। भोले को साथ ले जाओ और मैथ्यू से मिला दो, और काम क्या है ये पूरा इसे समझा दो। माता तुम्हारी भली करेगी भोले, भली करेगी। 18 साल बाद तुम अपने बच्चों से मिलोगे, कैसा लग रहा है तुम्हें? कितने बड़े हो गए होंगे ना, मालूम नहीं कैसे गले लगाऊंगी उन्हें। सत्या देवी, आपके भानु भैया आए हैं। साथ में बच्चे भी हैं क्या? नहीं, वो अकेले ही हैं। मुझे लेने आए होंगे। जेलर साहब, आप सचमुच उसको रिहा कर रहे हैं? हाँ हाँ, देखिए सब कागजात तैयार हैं, इसलिए तो तुम्हें बुलाया यहाँ। भैया, हाँ हाँ जाओ। बच्चे कहाँ है? साथ में तो नहीं लाए ना? नहीं। बाहर तो नहीं खड़े? नहीं। उन्हें उन्हें बता दिया है क्या कि मैं हूं, जिंदा हूं? ना। थोड़ा थोड़ा बता दिया होता तो अच्छा होता ना। क्या करूं, बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है, दिल रुक रुक जाता है, धड़कन बंद सी होने लगती है। मेरे मेरे बच्चे एक साथ मिलूंगी, तीनों को। कब तक मैं झूठ बोलता रहूंगा इससे पांडे साहब? सच तो ये है कि इसे आप रिहा मत कीजिए, यही जेल में रखिए इसे आप। कैसी बातें कर रहे हो भानु, जाओ बच्चों से मिलवाओ इन्हें। किन बच्चों से मिलवाऊं इसे? उनसे जो कि अब भाई नहीं बल्कि दुश्मन बन गए हैं। कैसे दिखाऊं मैं इसको इसकी त्रिमूर्ति जो कि टूट चुकी है? कैसे बताऊं मैं इसे कि उसे तोड़ने वाला इसी का दुश्मन वो राक्षस कूका है? कैसे बताऊं कि इसके दो बच्चे आनंद और रोमी उसी राक्षस के साए में पल रहे हैं? कैसे बताऊं कि उसका बेटा शक्ति आज इस दुनिया में अकेला आंसू बहा रहा है? मत दिखाइए इसे, ये सच, ये मर जाएगी। इसे इसी काल कोठरी में रहने दीजिए, यहां का अंधेरा इसके लिए उस उजाले से कहीं अच्छा है। यहां दिया जला जला के इन दीवारों से अपना सर पटक पटक के ये मर जाएगी, अच्छा है ना? और देवी मां ने भी इसे दुखों के सिवा कुछ नहीं दिया।